नीतीश कुमार की पार्टी की दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले घमासान ये मचा हुआ है कि टीवी के ऊपर लगातार खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर दो फूट होने की संभावना ज्यादा है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर 11 बजे से ये बैठक है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आयोजित होगी और दोपहर 3:30-4 बजे के आसपास तक ये बैठक चलेगी, जिसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पूरी प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर बदलाव की संभावना है। और इसी के चलते नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच में थोड़ी नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि पार्टी की तरफ दावा किया जा रहा है कि कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। पिछले दिनों यह भी खबर आई थी कि नीतीश कुमार बिहार के अंदर जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाए जाने के बाद लगातार नाराज नजर आ रहे हैं और वो बीजेपी के साथ जाने की बजाय अकेले यहां पर अपने दम पर राष्ट्रपति शासन लगवाने की भी खबरें, यानी कि बिहार की राजनीति में इन दिनों उठापटक मचा हुआ है और खास तौर से लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद यहां पर बहुत कुछ बदलने को देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार की सरकार, आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी भरोसेमंद नेता है, वो बिहार में रहे नहीं है, वो कभी भी किसी भी समय है वो पाला बदल सकते हैं। बिहार की राजनीति में दिलचस्प रहता है कि कब एक दिन के अंदर यहां पर राजनीति है वो बदलती है और नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों के अंदर ये करके भी दिखाया। वो आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए किसी भी पार्टी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में यह भी खबरें लगाई जा रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। इन तमाम खबरों के बीच अगर पार्टी की बात करें तो आज नीतीश कुमार की पार्टी के गठबंधन संगठन को लेकर प्रमुख बदलाव होने की संभावना है। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को कि उन्होंने वो पार्टी से एक तरीके से नाराज है, इसको लेकर ललन सिंह ने अपनी इस्तीफा देने की खबरों को लेकर भी उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी के इशारे पर एक विमर्श खड़ा किया जा रहा है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष पद के इस्तीफे के खटकलों पर ललन सिंह ने कहा कि ये नियमित बैठक और पार्टी एकजुट है। जनता दल यूनाइटेड में सांगठनिक बदलाव को लेकर चल रहे अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह गुरुवार को राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक के लिए भाग लेने के लिए एक साथ दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। नीतीश कुमार के आवास पर बैठक के बाद दोनों नेताओं ने एक साथ आने का फैसला किया। जानकारी की माने तो इसका मकसद पार्टी में एकजुटता का संदेश देना था। बताया ये भी जा रहा है कि आज भी 11:30 बजे से 3:30 बजे तक जो है वो बैठक आयोजित होगी और इस बैठक के अंदर कई सारे बड़े बदलाव की